My dear student, now we will study another application of Nernst equation, that is calculation of equilibrium constant of cell process. Cell, electrochemical cell के अंदर हम जानते हैं कि redox process होता है, anode पे oxidation और cathode पे reduction, jointly उसको हम बोलते हैं redox process. जब ये रिडॉक्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका कैलकुलेट करते हैं, और वो भी नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से कैलकुलेट करना है. तो देखिए, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम when following conditions are obeyed. कुछ conditions है जिसपे कोई भी cell equilibrium में माना जाता है. पहला, rate of oxidation at anode must be equal to rate of reduction at cathode. Rate of oxidation at anode must be equal to rate of reduction at cathode. Dusra, potential at anode is equal to potential at cathode. सेल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब यह होता है कि सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है. और सेल डिस्चार्ज कब होगा? जब उसका पोटेंशियल जीरो हो. एट इक्विलिब्रियम सेल इज फुली डिस्चार्ज. इक्विलिब्रियम में सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा. दैट इज सेल पोटेंशियल बिकम्स जीरो. सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा जब सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. And another condition, at equilibrium mass action ratio Q becomes equal to the equilibrium constant. इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन का जो कोशेंट है, मास एक्शन रेशियो है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है. तो अब इन कंडीशन को नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे. इन्हीं कंडीशन में सेल इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया जाता है. According to
नर्स इक्वेशन ये हमें पता है इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू जीरो एंड क्यू इक्वल टू के। इक्विलिब्रियम पे सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और उसका रिएक्शन कोसेंट क्यू के बराबर हो जाएगा। रिएक्शन कोसेंट क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट वी गेट यहां से हम लिख सकते हैं log k विल बी इक्वल टू एन ई नॉट अपॉन 0.059 और k इज इक्वल टू एन टी log एन ई नॉट अपॉन 0.059। ये हमारा फॉर्मूला आ गया सेल के अंदर रिडॉक्स प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करके देखेंगे। देखिए हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 3.4। कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, एग्जाम में आएगा तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे। क्रोमियम का होता है माइनस 0.74 वोल्ट, कैडमियम के पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं देख के बताता हूं आपको।
हाँ जी, ये है कैडमियम का वैल्यू है -0.40 वोल्ट। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। सबसे पहले चीज तो निकालते हैं ई नॉट सेल, सॉल्व करने जा रहे हैं। ई नॉट सेल निकालने के लिए मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सबसे पहले तो यह पहचानना जरूरी है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा 2Cr gives 2Cr3 plus 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्रोमियम क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और हमने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे, यानी क्रोमियम हो गया एनोड। और देखिए 3 कैडमियम आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 कैडमियम। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। यानी यहां पे कैडमियम क्या है? कैथोड है, क्रोमियम एनोड है। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं? 6। यानी सेल का जो एन वैल्यू आ रहा है वो है 6। क्योंकि आप देखिए फॉर्मूले में के निकालने के लिए है एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.059। तो एन तो चाहिए ही चाहिए, एन इस तरह से हमें पता चल गया। अब देखिए ई नॉट सेल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, यानी ई नॉट ऑफ कैडमियम माइनस ई नॉट ऑफ क्रोमियम। अभी आ गया प्लस 0.34 वोल्ट, पॉजिटिव आ गया, ई नॉट का वैल्यू आ गया। और ई नॉट का वैल्यू आते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, के इज इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.059। देखिए एंटी लॉग 6 इंटू 0.34 अपॉन 0.059। अब सिंप्लीफाई करके पहले देख लेते हैं कि एंटी लॉग के बाद वैल्यू कितनी आ रही है। इसका एंटी लॉग निकालना है। तो 11th क्लास में भी मैंने आपको बताया है एंटी लॉग निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, +34
अब यहां देखिए प्लस 34 है तो इसका एंटी लॉग आ गया 10^34 इनटू, अब क्या करेंगे एंटी लॉग की टेबल में 0.57 के नीचे सामने 6 के नीचे देख लेंगे वैल्यू और 2 का मीन डिफरेंस लेके ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा वो मैं बता दूं आपको, पर यही चीज आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए इस मेथड का एडवांटेज क्या है, आपको डेसिमल हमेशा फर्स्ट प्लेस के बाद लगाना है तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, यही आंसर है 3.76 इंटू 10^34 इसका आंसर है। हम लोगों ने चार प्लेस तक निकाल लिया है 3.768 इंटू 10^34। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, दो चार दस क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है Fe2+Aqueous + Ag+Aqueous gives Fe3+Aqueous + AgS और सिल्वर का तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है +0.80 वोल्ट, आयरन का हमें चाहिए 3+2, 2+ के लिए वैल्यू चाहिए तो इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में दिया जाएगा +0.77 वोल्ट इसका, ये वैल्यूज आपको एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो सर्टेनली गिवन होगा, इसके लिए आपको ऐसा कोई वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने सबसे पहले बोला आपको ई नॉट सेल निकालने के लिए, ई नॉट सेल कैसे निकलता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी पहले तो हमें यह पता चल जाना चाहिए कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो देखिए सेल प्रोसेस से पता चलता है Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है एनोड पर होता है, तो ये तो हो गया एनोड। Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है रिडक्शन, और रिडक्शन कहां पर होता है कैथोड पे, यानी सिल्वर कैथोड हो गया। अब यहां पे ध्यान देने की बात है जब आप ऐड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, एक, यानी सेल का एन वैल्यू क्या है 1, नॉट कैथोड सिल्वर कैथोड है माइनस ई नॉट एनोड, वैल्यूज रख दे .03 वोल्ट आ गया ई नॉट सेल का
और n का वैल्यू 1 है। तो ये अगर दो वैल्यू पता है तो आप नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करके देखेंगे हम नस्ट इक्वेशन के लिए। k इज इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.059। एन का वैल्यू 1 है, ई नॉट का वैल्यू 0.03 है, इसका एंटी लॉग क्या करना है, 0.50 के सामने 8 के नीचे देखना है और 4 का मीन डिफरेंस। वैल्यू आ रहा है 3.224। आंसर देखते हैं इसका क्या है। एग्जैक्ट आंसर है इसका। इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इन टेक्स्ट 3.6 है। रिएक्शन गिवन है 2Fe3+ + 2I- 2Fe2+ + I2। E नॉट सेल गिवन है, काम और आसान कर दिया। E नॉट निकालने का जरूरत आपको नहीं है। कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, देखिए 2017, 2012, 2008, 2006 इतने साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए हमें पता करना है कि n की वैल्यू क्या है। तो क्या करना है, इसमें आप इक्वेशन पहले लिख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा आपको 2Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। इधर +6 चार्ज, इधर +4 चार्ज, यानी यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे।
और इधर देखिए 2i माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, i2 में, इधर माइनस टू चार्ज इधर जीरो चार्ज, यानी यहां दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, दो, यानी सेल का एन वैल्यू क्या आ रहा है, टू। सेल प्रोसेस के लिए एन का वैल्यू हमें पता चल गया, वो है टू। एन का वैल्यू पता चल गया, ई नॉट गिवन है। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन अब जो है सॉल्व हो गया, करके देखते हैं। E नॉट दिया है 0.236। पहले तो निकालना है फ्री एनर्जी चेंज, हमें पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोग जो है इसको देखे थे कि किस तरह से डेल्टा जी नॉट निकलता है। एन का वैल्यू टू है, फैराडे का वैल्यू 96500, ई नॉट गिवन है 0.236। ध्यान रखिएगा ये जूल में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। माइनस 45 45548 जून। यानी आ गया 45.548 किलो जूल। आंसर देखते हैं, यही आंसर है, माइनस 45.548 किलो जूल। अब हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.059। देखिए जो कुछ भी दिक्कत आपको आ सकती है सिर्फ एंटी लॉग में, फॉर्मूला मालूम है, वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस एंटी लॉग में गलती मत कर लीजिएगा। अगर एंटी लॉग में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। आ गया 10 का पावर 8। मैं डियर स्टूडेंट, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि मैं एक तरीका आपको ऐसा भी सिखा देना चाहता हूं कि आप किस तरह से बिना लॉग टेबल के लॉग निकाल लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, आपको ध्यान दीजिए, लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग सेवन, ये तीन लॉग का वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, बाकी किसी भी लॉग का वैल्यू मैं आपको बिना लॉग टेबल के निकालना अगले सेशन में सिखाऊंगा और आप देखेंगे कि कितना काम आपका आसान हो जाता है। जैसे ये 0.3010 है तो हम लोग इसको 0.30 लेके चलेंगे, .4771 है तो हम लोग इसको 0.48 लेके चलेंगे, .845 है
हम लोग 0.85 लेकर के चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप कहीं फंस जाए इस तरह कि आपके पास टेबल नहीं है, टेबल नहीं मिल पा रहा है लॉग निकालने के लिए, मैं आपको बताऊंगा बिना टेबल के उतने ही कम टाइम में आप लॉग कैसे निकाल सकते हैं। अगले वीडियो सेशन में आपको निकाल के दिखाऊंगा। जरूरी इसलिए भी है, आगे के सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के भी और अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के भी लॉग और एंटी लॉग से ही सॉल्व होने हैं और वही हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन खत्म हो जाएगा। खाली सॉलिड स्टेट अभी हमने कवर नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉलिड स्टेट दोबारा सिलेबस से हट जाएगा। कमेटी बहुत जल्दी रिपोर्ट देने वाली है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो इसलिए सॉलिड स्टेट अभी हम छोड़ के रखे हैं। अगर दोबारा सिलेबस में रहता है अगली कमेटी के रिपोर्ट के बाद भी, तो मैं सॉलिड स्टेट आपको पढ़ा दूंगा। टिल देन आप ये तीनों लॉग याद कीजिएगा। मैं अगले वीडियो सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा कि बिना लॉग टेबल के लॉग कैसे निकाला जाएगा। Have a good day and good luck.